अभी जून खत्म होने वाला है और बारिश शुरू हो गया है। खेत की सारी सब्जियां खत्म होने लगी है, जिसकी वजह से इस समय जो भी सब्जी बची है खेत में उसका कीमत बढ़ने लगा है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब आपका फसल घटेगा तो मांग भी बढ़ेगा ही, जिसके वजह से करेला का रेट अभी अच्छा मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको करेला का खेती बरसात में करने के तरीका बताऊंगा, साथ ही यह बताऊंगा कि कैसे आपको करेला का खेती बरसात में रखना है, ताकि आपका करेला का फसल जो भी रहेगा, जो भी फसल आप उगाइएगा बरसात में, उसको यही तरीका से आप लोगों को करना होगा, जिसके वजह से आपका फसल सड़ेगा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों करेला की खेती बरसात में करने के लिए आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीका से सारा सिस्टम किया गया है। नीचे मल्चिंग है, ऊपर में बाँस का 10 फीट का बाँस का लगा करके सारा करेला को तार रस्सी के सहारे, पतला पतला जो प्लास्टिक का रस्सी है उसके सहारे बांध करके ऊपर ले जाया गया है। दोस्तों आप लोग करेला देख सकते हैं, ये करेला दोस्तों 60 दिन का है जो फल फूल देने लगा है, इसका तुड़ाई भी चालू हो गया है। दोस्तों अभी बरसात में बाजार में कम सब्जी आ रही है, जिसके वजह से करेला अभी 40 रुपया चल रहा है, अभी मार्केट अच्छा चल रहा है। कुछ दिन के बाद दोस्तों इसका रेट गिर जाएगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद मार्केट में सब्जी आ जाएगी। जब मार्केट में सब्जी आ जाता है दोस्तों तो रेट घटने लगता है, कोई भी फसल रहेगा उसका रेट घटने लगेगा। जब मार्केट भर जाएगा सब्जी से तो रेट घटेगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट में सब्जी का रेट ऊपर नीचे रहता है। दोस्तों करेला की बुआई की बात करें तो आप अपने बाजार के रेट और अपनी बाजार के मांग के आधार पर ही कीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह ऐसे रहता है कि मांग कम रहता है। अगर आप उस जगह पर रहते हैं जहां पर मांग ही नहीं रहता, वहां पर अगर आप करेला का खेती करते हैं तो दोस्तों वहां पर आपको नुकसान होगा, आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और आपको कम निकलेगा दोस्तों, कम आपको पैसा निकलेगा। तो आप लोग देख करके ही लगाइएगा। इस करेला की बुआई की बात करें तो दोस्तों जून के पहला सप्ताह में इसको बुआई किया गया था। आपको बता दें कि करेला बहुत सारी वैरायटी है दोस्तों, बहुत सारे करेला की वैरायटी है बाजार में, जिसके वजह से इसका लता का साइज और जो फल का साइज आप लोग देख सकते हैं, यह कहीं कहीं बड़ा है, कहीं कहीं छोटा है, क्योंकि यहाँ दोस्तों अभी लॉकडाउन की वजह से एक ही बीज नहीं मिल पाया, और जो भी बीज था दोस्तों वो पुराना बीज था, इसीलिए 2-3 बीज को लगाया गया, जिसके वजह से वैरायटी इसका अलग अलग हो गया है। इसका लता लंबा है किसी का छोटा है, किसी का मध्यम आकार का है। तो ये सब आप अपना व्यवस्था के हिसाब से देख करके कीजिएगा दोस्तों। अब इसकी बुआई की जा रही थी दोस्तों, तो इसका लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट रखा गया था और बीज से बीज की दूरी 4 फीट रखा गया था, क्योंकि बरसात में ज़्यादा घना हो जाता है और बरसात के बाद करते हैं तो 2 से 2.5 फीट रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बरसात में दोस्तों बारिश का जो पानी रहता है वो ज़्यादा जमने लगता है, जिसके वजह से ज़्यादा आपका झाड़ी जैसा बन जाएगा, इसलिए थोड़ा दूरी बना कर रखिएगा। अभी तो बरसात में आप 4 फीट रख सकते हैं, लेकिन जब आप गर्मी या ठंडा में करते हैं तब आप 2 से 2.5 फीट रख सकते हैं। तो किसान भाइयों आप लोग एक साथ 2 फसल लगा सकते हैं, जैसे करेला के बीच में आप लोग बोदी आने की जो लोबिया का खेती होता है वो भी कर सकते हैं, जिससे कि एक फसल से लागत निकलेगा दोस्तों और दूसरा फसल से आपका मुनाफा निकल सकता है, आप लोग मुनाफा निकाल सकते हैं दोस्तों। दूसरा फसल लगाइएगा तो पहला फसल से आपका लागत निकल जाएगा और दूसरा फसल से आपका मुनाफा निकल जाएगा। दोस्तों अभी बरसात का मौसम चल रहा है, जिसको ध्यान में रखकर करेला का बुआई किया गया था। बीज खराब ना हो इसके लिए बेड बनाया गया है, और दोस्तों बेड बनाने और बीज की बुआई करने के बाद जो करेला का लता निकलता है उसे मचान पर चढ़ाना पड़ता है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो बरसात का पानी में गलने और सड़ने का खतरा रहता है। दोस्तों मचान बनाने से पहले आपको बेड बनाना पड़ेगा और उसी बेड में गोबर की सड़ी खाद डालना होगा, फिर मचान बनाना होगा। दोस्तों मचान बनाने के लिए आपको 8 से 10 फीट ऊंचा बांस को गाड़ करके तार और प्लास्टिक की रस्सी के सहारे मचान बनाना होगा, और बांस करेला का लोड संभाल सके उसको ध्यान में रखते हुए आपको तार को फिर से खींच करके बांधना होगा दोस्तों, क्योंकि तार से बांस को बांध कर रखना होगा, ताकि जो बारिश का पानी है और करेला का जो वजन रहेगा दोस्तों वो आपका तार और बांस संभाल लेगा। तो करेला की रोग की बात करते हैं दोस्तों, तो बरसात में पानी ज़्यादा गिरता है, जिसके वजह से घास बहुत ज़्यादा निकलता है दोस्तों। जो इसका लता रहता है उसमें घास के संपर्क में आएगा तो आपका लता गलने लगेगा, सड़ने लगेगा,
अगर आप घास का नियंत्रण करते हैं तो रोग बिल्कुल नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि करेला का पत्ता गलने लगता है बारिश का पानी में, और जो भी आपका घास रहेगा उसका संपर्क में आने से आपका करेला गलने लगता है दोस्तों। तो करेला की उपज की बात करें तो दोस्तों 50 से 60 क्विंटल की एक एकड़ में उपज होता है, और 40 रुपया का रेट अभी चल रहा है। ये रेट गिर जाएगा दोस्तों, 20 से 25 रुपया में भी आ जाएगा, 15 रुपया में भी आ जाएगा। तो बाज़ार के हिसाब से रेट ऊपर नीचे होते रहता है। तो दोस्तों यह था करेला का खेती के बारे में पूरा जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।